सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक बात शेयर करना चाहता हूं जो कि यूट्यूब से रिलेटेड है, यूट्यूब अर्निंग से रिलेटेड है। तो आप भी अगर एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, नहीं भी अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो चैनल है वो अभी मोनेटाइज हुआ है, 2 महीने हुए हैं और 2 महीने में मैंने कमा लिए थे लगभग $5। लेकिन अभी पिछले हफ्ते मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने जब देखा था तो मेरे मतलब लगभग $5 थे, लेकिन उसे मैंने कल देखा तो वो मेरे सीधे $2 से भी कम हो गया, यानी कि $1.97 हो गया। अब इसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने इस पर यूट्यूब पर बहुत सर्च करा हर जगह, तो मुझे फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये एक चीज़ है। तो अगर आपका YouTube चैनल है तो आपको ये पता होगा कि एक YT Studio करके जो एप्लीकेशन है उसमें आप अपने YouTube चैनल को मैनेज कर सकते हैं आराम से। तो आप जैसे ही अपने YT Studio को खोलेंगे तो वहाँ पे एक आता है योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू। अब इसका मतलब होता है कि एक अनुमानित आय, यानी कि एक अनुमानित इनकम आपकी, जो कि ओरिजिनल इनकम नहीं होती, यानी कि ये ऐसी इनकम है जो आपको हो सकती है, आपको मिल सकती है, मतलब आपको मिलेगी नहीं या मिली नहीं है। तो योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू का मतलब यही होता है कि ये एक अनुमानित आय है, ये आपको मिल सकती है, इतना पैसा आपको मिल सकता है। तो ऐसा जो है वो YouTube का कहना है, जो मैंने सर्च करा उसके हिसाब से लोगों का कहना है। तो मेरा जो चैनल है अभी मोनेटाइज हुआ है और मैं खुशी के मारे भी सोच रहा था कि मेरे $5 हो गए हैं, जो मेरे पुराने वीडियो थे उससे ही ये पैसा कमाया हुआ था। जो एक वीडियो मेरा हाउ टू डू 360 स्टंट ऑन बाइक, ये मेरा वीडियो वायरल हुआ है, उससे थोड़ा बहुत पैसे कमाए हुए। और एक मेरा जो सेकेंड बाइक मार्केट इंदौर उज्जैन, और एक और मेरा वीडियो वायरल हुआ है वो है R15 V3 का पब्लिक रिएक्शन। ये 3 मेरे वीडियो वायरल हुए, इन्हीं वीडियो से जो है मैंने ये पैसे कमाए थे। लेकिन ये जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू का जो मतलब है, मतलब जो अनुमानित आय आपकी है, इसकी वजह से जो $5 है उसका जो सीधा आधा हो गया, यानी कि $2 से भी कम। तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो अनुमानित आय है और उसके जो ओरिजिनल मेरी जो इनकम है, ओरिजिनल जो आय है, उसमें आधे से भी ज़्यादा का फर्क है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया YouTube का जो सिस्टम है ये। अगर आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके, ये कैसा सिस्टम है कि आप अनुमान कर रहे हैं कि आपको 10 रुपये मिलेंगे और आपको मिलते हैं 5 रुपये से भी कम, यानी कि 4 या 3 रुपये मिलते हैं। तो ये कैसा अनुमान है और इतना अनुमान कम कैसे हो सकता है या ज़्यादा कैसे हो सकता है, मुझे इस बात को बिल्कुल समझ में नहीं। YouTube को इस चीज़ में सुधार करना चाहिए। तो अभी मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करा है और आगे मुझे थोड़ा बहुत और रिसर्च करना है कि इसका जो हल है, इसके जो सॉल्यूशन है, उसका क्या करा जाए। तो जैसे जैसे मेरे को ये सॉल्यूशन मिलेगा मैं आपके सामने शेयर करता जाऊँगा। तो फिलहाल बस बात नहीं सी थी कि मुझे लगा कि मेरा जो है YouTube ने जो मेरे इनकम यानी कि मेरे जो पैसे हैं वो काट लिए। तो ऐसा आपको भी लग सकता है अगर आपका YouTube चैनल है और आप अगर YouTube चैनल बनाने वाले हैं, तो ये जो चीज़ है ये आपको डिमोटिवेट कर सकती है। लेकिन आपको जो है डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है, आपको अपने अल्लाह पर भरोसा रखना है और आपको अपनी किस्मत पर भी भरोसा रखना है। क्योंकि किस्मत पर भरोसा इसलिए क्योंकि कई लोग मेहनत करके भी वायरल नहीं हो रहे हैं जल्दी, और कई लोग किस्मत से वायरल हो जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं TikTok पे, YouTube पे या और भी जगह जहाँ सोशल मीडिया पे, Facebook पे वगैरह वगैरह जगह जहाँ पे लोग किस्मत से भी वायरल हो जा रहे हैं। तो वो बिना मेहनत के वायरल हो रहे हैं, हो सकता है उनमें छोटा मोटा टैलेंट है उसकी वजह से वायरल हो रहे हैं, और हो सकता है कि उनमें कुछ भी नहीं हो लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पसंद आ रहा हो तो उसकी वजह से भी लोग वायरल हो जाते हैं। तो अगर आपका भी YouTube चैनल और आपका भी पैसा कटा है तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि वो पैसा आपका समझ लो था ही नहीं, अगर ऐसी बात है जिस तरीके से लोगों ने मुझे समझाया, YouTube ने मुझे समझाया है। और आने वाला टाइम आपको और पैसा दे सकता है अगर आप पैसे की वजह से डिमोटिवेट हो रहे हो। तो बस मैं इतनी सी बात कहूँगा कि आप कोशिश करते रहिए और अपना काम करते रहिए, एक ना एक दिन सबकी किस्मत खुलेगी और सबकी मेहनत रंग लाएगी। बात आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो लेके, कुछ नए व्लॉग लेके, कुछ नए प्रोडक्ट लेके और कुछ नई नई जानकारी लेके। तब तक ले, अल्लाह हाफिज़।